अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमेरा, आप देख रहे हैं कुकनोलॉजी। मैं बनाने वाली हूं बहुत ही टेस्टी वाइट चिकन पुलाव। कभी कभी स्टमक पे थोड़ा रहम करना चाहिए, थोड़े कम मसालों वाली थोड़ी कम स्पाइसी चीज़ें भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये बेहतरीन हेल्दी रेसिपी लाई हूँ। 100% घर के मसालों से बनाऊंगी, बाहर से कोई मसाला लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। 4 कप राइस लिए हैं मैंने, इनको 3-4 मरतबा अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया है। 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पत्ते, 9-10 लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च साबुत और 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को 2-3 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करूंगी ताकि इन मसालों का ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल आए। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें 2-3 चम्मच पानी के ऐड करूंगी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लहसुन अदरक ऐड की। बस इनको खुशबू आने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसमें जाएगी चिकन, 800 ग्राम चिकन है मेरे पास, जो थोड़ी बड़ी बड़ी कटी हुई है। 5 से 6 मिनट चिकन को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। देखें, चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूंगी 1 कप दही, 9-10 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और 3 खाने के चम्मच ही नमक ऐड कर दिया है। अगर आप इसमें चिकन क्यूब या चिकन पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। 4 कप राइस मैंने पहले से भिगो के रखे हैं, इसलिए 4 कप ही पानी ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, कवर करके मैं इसको बॉईल करूंगी। देखें, पानी बॉईल हो रहा है। अभी मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी, सब्ज़ मिर्च ऐड की और कवर कर दिया। फ्लेम हाई ही रहेगा। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी कम रह चुका है, तकरीबन 1-1.5 कप। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। चम्मच की मदद से नीचे तक राइस को अच्छे तरीके से हिला देना है एक बार। कवर करके 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करूंगी। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन पुलाव रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खिले खिले राइस बने हैं। इस वाइट चिकन पुलाव के साथ आप रायता बनाएं या कोई चटनी और अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।